आखिर कौन संभालता है इन लावारिश जानवरों को? क्या आपने कभी बेबस, बेजुबान, लाचार जानवरों का दर्द समझा है? आज हम मिलेंगे बेजुबान जानवरों की भाषा समझने वाले एक ऐसे इंसान से, जिन्होंने रास्ते में जख्मी हुए कई जानवरों की जान बचाई है। वैसे तो बेजुबान जानवर जब तक आपके घर पर है तब तक बड़ा मजा आता है, लेकिन कई बार किसी बीमारी की वजह से और जख्मी हुए जानवर को अक्सर सड़क के किनारे अपने हाल पर छोड़ दिया जाता है, और कोई ध्यान न देने की वजह से उस मासूम बेजुबान जानवर को कभी भी दम तोड़ना पड़ जाता है। लेकिन भावेश जैन जैसे कुछ लोग हैं जो इन बेजुबान जानवरों का दर्द समझ के उनकी इंसानियत के नाते उनकी मदद करते हैं। जब मैं पारला हाईवे से गुजर रहा था तो मेरी नज़र एक छोटे से पप्पी पे गई। उसका पूरा बॉडी कीड़े से सड़ चुका था। मुझे देख के बहुत बुरा लगा, और उसके पहले मेरी कभी नजर ही नहीं गई कि मुंबई में कुत्ते बिल्ली करके भी कोई चीज है जो घूम रहे रास्ते पे। तो मुझे देख के रहा नहीं गया, और मैं उसको एक बक्से में लेकर एक प्राइवेट वेट के पास चला गया। फिर मैंने उसको अपने पास 10-15 दिन रखा, उसका पूरा इलाज किया, और फिर उसको अपने वही लोकेशन पर उसको जाके छोड़ा। वो दिन फिर मुझे ऐसा रियलाइज हो गया, यार लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहिए दिल के ना खुशी हो। तो फिर तब से मेरे को कभी भी रोड पे कोई कुत्ता बिल्ली या जख्मी मिलता था, मैं उसको उठाता था, प्राइवेट क्लिनिक में लेके जाता था, उसका इलाज कराता था, अपने पास रखता था, एकदम पूरा ठीक करके फिर मैं उसको अपने सेम लोकेशन पे उसको जाके छोड़ देता था। एराज ARAS फाउंडेशन यानी एनिमल रेस्क्यू और शेल्टर फाउंडेशन बेसहारा जानवरों को संभालने का काम करता है, और अगर कोई जानवर किसी जगह पर जख्मी हुआ है तो उसका ऑपरेशन भी करते हैं। मेरे पास कुल मिला के 25 से ज्यादा कैट्स है और 15 प्लस मेरे पास डॉग्स है, जिनमें ज्यादातर किसी का पैर काटना है क्योंकि पूरा इन्फेक्शन हो गया है, या कोई गाड़ी के नीचे आके कट चुके हैं तो उनका ऑपरेशन करना है, सर्जरी करना है। मेरे पास एक फीमेल डॉग भी आई थी जो 3 माले से गिर गई थी, प्रेग्नेंट थी, उसके बच्चे हमने 4 दिन पहले ही निकाले, उसमें सब बच्चे मरे हुए निकले, एक जिंदा निकला वो भी आज सुबह ऑफ हो गया। मुंबई की आरे कॉलोनी में बसा ये ARAS फाउंडेशन मुंबई समेत अन्य जगहों पर भी बेसहारा और जख्मी जानवरों की मदद करने का काम करता है। इनका कहना है कि वैसे तो हम सुबह से रात 10 बजे तक काम करते हैं, लेकिन जब भी जरूरत हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम रात के 12 बजे, 2 बजे और 3 बजे भी आपकी मदद के लिए पहुंच सकते हैं। बाकी NGO 6 बजे तक काम करते हैं, हम लोग रात के 10 बजे तक काम करते हैं, लेकिन हमको 12, 1 बजे, 3 बजे जब भी कॉल आएगा हम लोग एक्टिव है। मेट्रो मुंबई के लिए ज्योति यादव के साथ संवाददाता सुरेंद्र जोटिंगे की रिपोर्ट। खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।